15-20 दिन बाद अपने घर पे आ के मैं बहुत खुश हूँ। अपने घर पे होने से बड़ी खुशी कोई नहीं। चार दिनों से मैं यही सोच रही हूँ कि कृष्णा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूं। दीदी उठना, मेरा भी बर्थडे आ रहा, तो मेरा बर्थडे बड़ा मनाने का है। तेरा बर्थडे बड़ा मनाने का है? ठीक है, तू जाके पापा से पूछ। ठीक है, मैं पापा से जाके पूछता। पापा? हाँ पापा। मेरा बर्थडे बड़ा मनाने का है। क्या करने का है? मेरा बर्थडे बड़ा मनाने का है। बड़ा? तेरा बर्थडे बड़ा मनाने का? दीदी से भी ज्यादा बड़ा। ठीक है। नए कपड़े लेने के? कौन से कपड़े लेने के? केजीएफ का। केजीएफ के कपड़े लेने के? सूट लेना है उसको, केजीएफ वाला। केजीएफ का सूट लेने का है? हाँ। चल ठीक है। ठीक है बच्चे, चलेगा। खुश है ना अभी तू? हाँ। कितना? बहुत ज्यादा। चल ना, क्या चल। अभी अगर कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और उसके बाद में मैं पापा को बोलूंगी कि मुझे मेरा 3 मिलियन का सेलिब्रेशन भी करना है, तो पापा नहीं बोल देंगे। मुझे सेलिब्रेशन भी तो करना था। आइडिया, क्यों ना मैं अपना 3 मिलियन का सेलिब्रेशन कृष्णा के बर्थडे सेलिब्रेशन में ही करूँ तो? हाँ, इससे सेलिब्रेशन और बड़ा हो जाएगा और बहुत मजा आएगा। बढ़िया, कृष्णा ने हाँ भी तो बोलना चाहिए ना यार। चलो उसको जाके मनाती हूँ मैं। गेम कैमरा दिख रहा नहीं क्या तेको? सुनना, मैं क्या बोल रही थी कि तेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में मेरा 3 मिलियन का सेलिब्रेशन थोड़ा ऐड कर दूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनना, मैं ना तुझे कंप्यूटर में GTA लगा के दूंगी, वो भी मॉड के साथ। और तू जो ये 3-3 घंटे मोबाइल लेके बैठता है ना, तो मैं पापा को भी नहीं बोलूंगी। देख, डील अच्छी है, डाल दे। सच में? थैंक यू सो मच। यस, फाइनली मेरा 3 मिलियन का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। और इस बार है ना, हम कृष्णा का बर्थडे बहुत स्पेशल करने वाले हैं। वो है ना, ये बर्थडे हमेशा याद रखेगा। और हम दोनों सेलिब्रेशन एक ही इसमें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि है ना, पापा के ऊपर भी दो सेलिब्रेशन का ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, क्रंचेस मार रहे। क्रंचेस? चलो मार रहे, मार बच्चे। 1 और एक और एक और एक और एक और एक और एक और। वाह बच्चे वाह, क्या बात है। एक और एक और एक और एक और 1 2 3। बहुत सारी काम है। कृष्णा के लिए ड्रेस लाना है, फिर घर के लिए ग्रोसरी का सामान लाना है, सुपरमार्केट जाना है, बहुत सारे काम है। तो चलो फिर चलते हैं हम लोग और सारे काम है ना निपटा के आते हैं। So, चलो लेट्स गो फुल एनर्जी के साथ में।
हम लोग निकल रहे हैं सुपर मार्केट ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए। घर में है ना राइस खत्म हो गया है, तो एक दो दिन से ना हम जनरल स्टोर से एक एक किलो राइस ला के खा रहे थे। देखो आ गए हम लोग केशर सुपर मार्केट। चलो शॉपिंग स्टार्ट करें। ये पकड़, अब हो जा तू ही लेके चला। आज तो सारी कृष्णा की फेवरेट चीजें ले रही है मम्मी। इसका बर्थडे तो लेना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी की तरह कौन कौन चाय लवर है बताओ। पापा कुछ चाहिए आपको? ये लो। नहीं मटन मसाला लेंगे। ये वाला है रेडीमेड तंदूर। अच्छा ये लो, ये पापा के काम की चीज है। हमें क्या, तो अभी सारे कृष्णा के फेवरेट चीजें ले रहे हैं तो ये कोई कैसे भूल सकता है। चोकोस तो उसको कितने पसंद है, तो मैं ये भी ले लेती हूँ कृष्णा के लिए। थैंक यू, बाय बाय। क्या देख रहे हो आप? अरे ये बर्फ का। तो इसका क्या काम है? वो घस के बर्फ का गोला बनाने के काम आएगा। देखो हेयर की केयर करना भी जरूरी है, इसीलिए हम ले रहे हैं शैम्पू। और ये सेकेंड ट्रॉली अभी हाफ हो रही है। लस्सी ले रही हूँ मैं, रुको। ये लो, माजा भी लो। आज ज्यादा चॉकलेट्स नहीं है इसमें। तो मतलब क्या करने चॉकलेट? हाँ पापा चाहिए मुझे, चॉकलेट्स ही नहीं है लेकिन। यस पापा को लग रहा था चॉकलेट्स नहीं है लेकिन स्टॉक तो पीछे है। अभी मैं जाके देखूंगी मुझे कौन से वाले चॉकलेट चाहिए। बाप रे कितने सारे चॉकलेट्स है यहाँ पे। मेरा बस चले तो मैं पूरे ले लूँ लेकिन चूज कर लूँ। किटकैट मैं बाहर से लूँ। 1 2 3 किटकैट किधर है? रोज देखते हो आप मेरे वीडियोस? हाँ। थैंक यू। निकाल लो। बहुत क्यूट हो, ये लो। बाकी सब तो ठीक है, रुको मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। अरे किसरी, उसके अंदर ट्रेन बना दो, ट्रॉली है। थोड़ा बाकी है पापा। नहीं वही वही बोल रहा ना, ट्रेन बना ट्रॉली के मतलब। डन पापा, सब ले लिया हमने। चलना बस में। पापा तो आइसक्रीम लेना ही भूल गए थे, ऐसे कैसे आइसक्रीम भूल सकते हैं। देखो कितना बिल हो गया, हमने कितनी शॉपिंग कर ली। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। थैंक यू। आ गए हम लोग घर पे और देखो इसका गेम खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज हमने ना घर का ग्रोसरी का सारा सामान ला लिया, अभी बाकी कल इसका ड्रेस और बाकी जो भी शॉपिंग है वो कल करेंगे। अरे बाप रे इतनी सारी शॉपिंग, इसका मतलब तुम लोग सुपरमार्केट गए थे क्या? मुझे नहीं लेके गए तुम सुपरमार्केट? बुला पापा को मेरे को बात करने के उनसे। ये ले तेरे लिए। ये देख ये तेरे लिए क्या लाया मैंने। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा डायपर। देखो ना यार मम्मी और मैं कब से रेडी होके बैठे हैं, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए। पापा ने कहा था कि वो दोपहर में ही आएंगे लेकिन दोपहर से शाम हो गई। 2000 years later. देखो आ गए पापा। मम्मी चलना है? हाँ रुको आ रहे। क्या पापा कितना टाइम लगा दिया आते आते? अरे काम था ना, कोई टेंशन नहीं अभी, कल छुट्टी है। सूट लेना है देखो किसके जैसे? रॉकी जैसे। रॉकी जैसे सूट लेना है। चलो कृष्णा का तो फिक्स है, उसको सूट लेना है, लेकिन मैं क्या लूँ? मेरा भी तो 3 million सेलिब्रेशन है मम्मी। कुछ भी ले ले। तो मैंने अपने बर्थडे के दिन जो वन पीस गाउन पहना था ना, तो हमने जहाँ से वो लिया था ना, आज हम वही शॉप पे जाने वाले, क्योंकि है ना वहाँ पे बहुत मस्त मस्त वन पीस गाउन होते हैं। चलो तो हमने ना यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दिया, अभी हम लोग चलते हैं। देखो कृष्णा जा रहा है मामा के साथ में। अच्छा है इसका स्कूटी।
हमने तो सोचा था कि कृष्णा बहुत इजी अपना सूट सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि वो इतना चूजी है, उसने इतने सारे सूट्स निकालने लगा दिए और फिर उसको एक सूट पसंद आया। कौन सा पसंद आया? पहला वाला अच्छा है क्या? देख बच्चे चलिए कोट कैसा है। ये वाला कैसा है? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा है? हाँ। ये अच्छा दिख रहा है मेरे को। अच्छा दिख रहा है। पहला अरे तो वो पूरा लेंगे, लेकिन कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला की जो पहले पहना था। देख ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ दिखाओ कौन। हाँ कौन सा वाला अच्छा लग रहा? इसमें तू ज्यादा हैंडसम दिख रहा। यार मेरे लिए देख रहे हैं वन पीस। मुझे एक प्रिंसेस जैसा ड्रेस चाहिए था, बट इनमें से कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं था जो मुझे देखते ही पसंद आए। ट्राई करके आओ। वो रेड देख ऐसे लिया था ना। कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं वही पूछ रही हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। पहनने में बहुत ब्यूटीफुल। एक मिनट। फिर मैंने ये वाला ड्रेस देखा, अच्छा तो लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देख। चलो मैं ये रेड कलर का वन पीस है ना, ट्राई करके आती हूँ। देखो कैसा है, बताओ गर्ल्स जल्दी जल्दी। चलो अभी मैं ना ये वाला जो ड्रेस है ना, ये भी ट्राई करके आती हूँ। देखो ये वाला वन पीस कैसा है। चलो थर्ड ट्रायल, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये भी मैं पहन के आ जाती हूँ। देखो कैसा लग रहा है ये वाला व्हाइट कलर का वन पीस ड्रेस, ट्राई कर लूँ क्या इसको? ठीक है ये वाला मैं ट्राई करके आ जाती हूँ। ये वाला वन पीस ड्रेस कैसा लग रहा है मुझसे? तो देखो मैंने ना तीन वन पीस ड्रेस ट्राई किए, लेकिन है ना मुझे ये रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताओ कौन सा वाला अच्छा है? रेड वाला ठीक है ना? तो देखो मैंने ना ये रेड वाला वन पीस ड्रेस फाइनल किया है, अच्छा है ना? yes, फाइनली मैंने ड्रेस ले लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा रेड कलर का वन पीस ड्रेस। अभी तो वो फिटिंग वगैरह होने के बाद में कल शाम को घर पे आएगा। तो हमने जो सोचा है ना कि कृष्णा के बर्थडे के दिन है ना, हम जो बच्चे आएंगे उनको भी रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि हम है ना उनको क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। तो अभी हम लोग है ना रिटर्न गिफ्ट के लिए ना यहाँ पे कंपास या फिर टिफिन बॉक्स देख रहे हैं। देखो दिखाओ पापा कंपास, दिखाओ पापा ये कंपास बॉक्स। हाँ अच्छे। देखो मम्मी को और मुझे है ना ये वाला कंपास बॉक्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसमें ना खेलने के लिए ये भी है, देखो ऐसे गेम होता है ना ये वाला। तो हमने ना इतने सारे कंपास बॉक्स ले लिए रिटर्न गिफ्ट बच्चों को देने के लिए। क्या ले रहे हो? वाह लगा के देखो। देखो यहाँ से है ना मैंने डेकोरेशन का सामान भी ले लिया है, मेरे 3 मिलियन का सेलिब्रेशन भी होने वाला है, तो ये 3 और ये M। तो फाइनली हमने सारी चीजें ले ली है, कृष्णा का सूट, फिर मेरा वन पीस ड्रेस और बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट। देखो तो सारी तैयारी हो गई है और हम लोग घर पे भी पहुंच चुके हैं। डीजे भी आ गए, चेयर भी आ गई है, कारपेट भी आ गया है, और ये देखो ये रे लाइट्स, सब चीजें आ गए। मम्मी कृष्णा के बर्थडे से ज्यादा तो मैं खुश हूँ। अभी है ना बस कल का इंतजार है और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ आज रात को है ना 12 बजे है ना हम कृष्णा को केक लाके है ना सरप्राइज देने वाले हैं, उसको ये बात पता नहीं है, तो 12 बजने का भी वेट करना है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, और हाँ नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बहुत ही मजा आएगा। ये सब लोग बहुत खुश है, लेकिन कल बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है ना, मुझे पता है, भगवान ने मुझे बोल दिया।